नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर रचना गोरा गांधी और आज एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए कि आप आपकी इम्यूनिटी किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष गवर्नमेंट ने हम सबके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो हम इस पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19 में अपना कर हेल्दी यानी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके इस COVID-19 यानी कोरोना वायरस से बच सकते हैं, पर प्रैक्टिकली उसे कैसे हम यूज करें, हमने बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। तो मैं आज आपको इस तरह से वो आयुष गाइडलाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्लस आप समर सीजन जो चालू है तो उसमें हम किस तरह का खान पान रखें, कैसे करें, उन सबकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पूरी आयुष गाइडलाइन को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। फूड यानी फूड एंड ड्रिंक्स, हम क्या खा पी सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी हमें अपने जो दिनचर्या है उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है। थर्ड इज एक्सरसाइज, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हमने करनी चाहिए। फोर्थ मेडिसिन, अगर जरूरत पड़ी तो हमें किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। पांचवा लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचकर्मा। यस, हम किस तरह के बेसिक पंचकर्मा प्रोसीजर्स घर पे करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से हो सके। इन सब का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बोलने जा रहे हैं। खाने पीने में हमें क्या आयुष ने बोला है और प्रैक्टिकली हम क्या करें। आयुष गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि आप वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी पूरा दिन पीजिए। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोग इतना गर्म पानी पूरा दिन पी रहे हैं कि उनके गलों में छाले पड़ चुके हैं। सो आई रियली रिक्वेस्ट, आप बहुत गर्म पानी पियोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से बच जाएंगे। उस ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम बहुत गर्म पानी पी रहे हैं तो ऊपर का एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं इरोड हो जाता है उस गर्म पानी से, जिसके कारण अगर कोरोना वायरस का संक्रमण आपके गले में हुआ भी तो आपका वो प्रोटेक्टिव लेयर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज गुनगुना पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर ही पीजिए सुबह शुरुआत में। दूसरा, आयुष गवर्नमेंट ने बोला है आयुष क्वाथ पीजिए। आयुष क्वाथ मतलब क्या, उस पर हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो, प्रैक्टिकली किस तरह हमें आयुष क्वाथ बनाना है वो हम बताने वाले हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट बता देती हूँ कि उसमें क्या होना चाहिए। तुलसी, दालचीनी, सुंठी और मरीच यानी मरी पाउडर, इसे हमें उबाल के इसका काढ़ा बनाना है, उसका डिटेल हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरा, आयुष गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रात में या कभी भी सोते समय गोल्डन मिल्क यानी टर्मरिक मिल्क पिए। अब हल्दी का दूध, इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने वो ठंडा पिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ठंडा दूध से कहीं ना कहीं कफ प्रकोप होगा और तकलीफ आएगी। तो आपको क्या करना है कि एक आधा चमचा हल्दी पाउडर को दूध में डालिए, उसमें थोड़ा खड़ी शक्कर डालिए, उसे उबालिए अच्छे से, एंड आपका टर्मरिक मिल्क तैयार कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए हो इस गोल्डन मिल्क की तो डेफिनेटली मैं वो भी पोस्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम ये फॉलो कर रहे हैं पर हम कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन को बचने के लिए वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड। सो लेट्स कम कि किस तरह का फ्लूइड हम पी सकते हैं जो हमारे गर्मी में भी हेल्प करेगा, एंटीवायरल तरीके भी काम करेगा। तो मेरे एक 3-4 फ्लूइड्स का नाम ले रही हूँ, आप वो बहुत ईजिली बना सकते हैं। पहला, वरियाली यानी बड़ी शॉप का पानी। बड़ी शॉप का पानी बहुत ईजिली बन सकता है। एक चमचा बड़ी शॉप डाल दीजिए पानी में और उसको थोड़ी देर सेटल होने दीजिए, वो आप पूरे दिन पी सकते हैं। धनिया का पानी यानी धनिया के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स की बात करें, उसका पानी आप पी सकते हैं। जीरा का पानी पी सकते हैं आप। कोकम शरबत पी सकते हैं। जी हाँ, कोकम शरबत बहुत ही अच्छा काम करता है, पित्त भी कम करता है और उसके बहुत सारे दूसरे फायदे हैं, उसके भी डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। और दूसरा, हम गुलकंद, सब्जा, दूध, इस तरह की भी चीजें हम पी सकते हैं। तो ये काफी फ्लूइड्स है जो हम पी सकते हैं और हमें पीना चाहिए ही चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा खाने पे। खाने पे हम क्या खा सकते हैं। बोला गया है कि विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स जिससे हम फाइट कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है साइट्रिक फ्रूट यानी ऑरेंज, लींबू, इन सब में विटामिन सी है। तो हम क्या करें और क्या है जो इसे विटामिन सी बढ़ सकता है, राइट। हम, अगर आपको पता होगा कि कैप्सिकम यानी शिमला मिर्ची, उसमें कहीं ना कहीं नींबू से भी ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो हम हमारे डे टू डे भाजियों में सैलड तरीके हम यूज कर सकते हैं।
रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम, हम इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। फ्रूट्स में हम बोल सकते हैं कि पपाया में काफी अच्छा विटामिन सी है, जो नॉर्मल फ्रूट है। गुआवा यानी पेरू में एक अच्छा विटामिन सी है। पपाया खट्टा नहीं होता है राइट, फिर भी उसमें अच्छे प्रमाण में विटामिन सी पाया गया है। भाजियों में सबसे बेस्ट अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग भाजी आप मुझे पूछेंगे तो भाई ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक यानी शेंगे की सींग, जो हम नॉर्मली सांबर में यूज करते हैं, वो हम ले सकते हैं। उससे काफी इम्यूनिटी बूस्टिंग एंटीवायरल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हुई है। शिगरू जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो आप प्लीज उसका सूप पी सकते हैं, उसकी सब्जी खा सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज द वे यू वॉन्ट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आयुर्वेद में जो आई है इम्यूनिटी के लिए, वो है घी, गाय का घी। आप रोज एक चम्मच गाय का घी किसी भी प्रकार से, आपके आप रोटी में लगा सकते हैं, आप दाल राइस में खा सकते हैं, किसी भी प्रकार से कच्चा घी, उसमें खाना नहीं पकाना है, जिस घी डाल के आपको वो खाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरा, अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आजकल सबका ये हाल है कि कोई कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी भी खाता है राइट। तो प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। हमें क्या करना है कि हमारा एक सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल साइकिल भगवान ने बना के रखा है, हमें उसके हिसाब से ही फॉलो करना है। शरीर का जो साइकिल है वो ये नहीं देखता कि कोरोना वायरस चालू है कि आपका रूटीन है। हमारे जो डिटॉक्स का टाइम है, ऑर्गन हीलिंग का टाइम है, वो फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल, रात को 10 से 2 के बीच में हमारा लीवर डिटॉक्स होता है, और लीवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर वो डिटॉक्स नहीं होगा, हमने कुछ भी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर लिया और उस समय में अगर हमने कुछ भी खाया या हम सोए नहीं, तो वो ऑर्गन हीलिंग या रिस्टोरेशन का टाइम उसे नहीं मिलता है। तो आई रियली रिक्वेस्ट कि 10 to 2 के बीच में आप जितना पॉसिबल हो सोने का ट्राई कीजिए। मतलब वो 4 घंटे की नींद में से एटलीस्ट आपको 3 घंटे की नींद या मैक्सिमम मिनिमम 2 घंटे की नींद तो मिल ही जाए। सो दैट इज मिनिमम। इफ यू कैन गेट 4 आवर्स का स्लीप, नथिंग लाइक इट, तो यू विल बी इन पिंक ऑफ हेल्थ। आपका 10 से 2 की स्लीप मिल सके तो, और आपको उस समय कभी भी खाना नहीं खाना है। फिर आप लोगों के कौन सा टाइम बेस्ट है खाना खाने के लिए? हम सब जानते हैं कि खाने को पचाने के लिए पित्त, फायर, अग्नि हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम है, वो होता है 10 से 2, यानी सुबह के 10 से 2। तो आप देखिए कि सुबह 10 से 2 के बीच में आप आपके समय का ना पूरे दिन का सबसे हैवीएस्ट मील खाएं, उससे काफी फर्क पड़ेगा आपके डाइजेशन में और किसी भी प्रकार की बीमारियां। आयुर्वेद बोलता है कब हो सकता है? जब आपकी अग्नि मन यानी खराब होती है। तो हमें हमारी अग्नि को अच्छी रखनी है, जिसके लिए हमें टाइम पे खाना है। सो आपको दिन में ट्राई कीजिए कि आप दिन में 2 बार खाइए, पूरे दिन में अटर पटर या ये वो सब चीजें ना खाएं, 10 से 2 के बीच में ही खाएं। रात को 10 से 2 की स्लीप आपको मिले ही मिले। अब हम तीसरा टॉपिक पे आएंगे, वो है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन में हम क्या ले सकते हैं? तो आयुष गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 1 चम्मच च्यवनप्राश, प्रॉपर च्यवनप्राश लें। च्यवनप्राश लेने का भी एक तरीका है। आप कैसे लें कि सुबह आपने जब एक च्यवनप्राश खाया अर्ली मॉर्निंग, उसके आधा घंटे तक आप कुछ मत खाइए। सिट टू दैट कि आप आधा घंटे तक भूखा रहे, मिनिमम हाफ एन आवर, उसके बाद आप खा सकते हैं कुछ भी चाहिए तो। अगर आप डायबिटिक हैं तो हमारा खुद का एक शुगर फ्री च्यवनप्राश यानी जैगरी बेस्ड च्यवनप्राश बनाते हैं। सो प्लीज आप उस तरह के शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। नॉट लाइक यू नो शुगर फ्री वो सुक्रालोज एस्पार्टेम डाले हुए शुगर फ्री च्यवनप्राश ना लें, शुगर वाला लें, या तो आइडियली जैगरी बेस्ड च्यवनप्राश लें। दूसरा, हम और क्या ले सकते हैं? हम लवंग चूर्ण, अगर आपको लग रहा है कि गले में खिचखिच हो रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, तो घर पे सबके लवंग पाउडर होता है, लवंग यानी क्लोव्स, उसका पाउडर कीजिए, थोड़ा हनी में मिक्स कर लीजिए और वो आप चाट सकते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं में हम क्या ले सकते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाओं में जैसे सीतोपलादी चूर्ण, हम स्पेशल सीतोपलादी चूर्ण हमारे पास रहता है तो वो हम देते हैं, जिसका काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और चरक कंपनी का एक कोफल टैबलेट आता है, यू कैन जस्ट यू नो सकल दैट, मतलब मुंह में रख के आप चूस सकते हैं, उसे काफी गला खुलने में हेल्प होता है। तो हम समथिंग लाइक दिस चालू कर सकते हैं, कोफल टैबलेट, सीतोपलादी चूर्ण। पर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप किसी भी प्रकार का दवा ले रहे हो तो आपकी डॉक्टर को पूछ के उनके परामर्श के अनुसार ही ले। चौथा, हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी। आप हाफ एन आवर एटलीस्ट दिन का निकालिए, जिसमें आप किसी भी प्रकार का प्राणायाम, योगा या तो फिर एक्सरसाइज करें। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज के ऊपर एक अलग से वीडियो हम डालने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह का प्राणायाम योगा आपने
करना चाहिए जो आपको हाफ एन आवर में काफी, एक हाफ एन आवर का हम वर्कआउट डिजाइन कर रहे हैं जो आपने किया तो दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट फॉर यू एज अ बिगिनर। लास्ट जो मैंने बोला था पंचकर्मा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पंचकर्मों में हमने एक बोला है नस्यम, आयुष गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप दो बूंद तेल या घी नाक में लगाइए, कुछ नहीं, उसे हम बोलते हैं प्रतिमर्श नस्यम। तो अगर आपके पास घर में गाय का घी है, नारियल तेल है, तिल तेल है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आइडियली आपने अनु तेल, शरबिंदु तेल, इस प्रकार के तेल के 2 ड्रॉप्स आपको हाथ में लेना है, उंगली में इसे रैप करना है और नाक के अंदर उसे सिर्फ एक लेयर की तरह लगाना है। ये डिफिकल्ट हो रहा है तो जस्ट आप हेड टिल्ट कीजिए नाक बंद करके, 2 ड्रॉप्स, या अगर आपको लग रहा है 2 ड्रॉप से आपको तकलीफ हो रही है यू कैन जस्ट पुट 1 ड्रॉप, दैट इज ऑल्सो फाइन, दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपको डाल सकते हैं। दूसरा हमें बोला गया है गार्गल करने के लिए, हम गार्गल किसका करें। गार्गल के लिए हमें यूज करना है हल्दी 1/2 चमची, 1 पिंच सॉल्ट, यस 1 चुटकी नमक ही यूज करना है, आपको ज्यादा नहीं करना है नमक का प्रयोग, नहीं तो गले में और इरिटेशन बढ़ जाता है। कुछ लोग 1/2 चमची नमक डाल के गार्गल कर रहे हैं जिससे उनको और तकलीफें बढ़ रही हैं। तो आई रियली रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ 1 चुटकी नमक डालिए एक छोटे ग्लास, एक ग्लास पानी में 1/2 चमची हल्दी, 1 चुटकी नमक, और अगर पॉसिबल होगा तो आप जिश्तीमत चूर्ण उसमें डाल सकते हैं और अच्छे रिलीफ के लिए। जिश्तीमत चूर्ण नहीं है तो आप सिर्फ हल्दी, नमक और गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी से ही गार्गल कीजिए, बहुत गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है हमें। चौथा गंडुश मतलब ऑयल पुलिंग, तो ऑयल पुलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग के ऊपर तो बहुत डिटेल है पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। आप 2 चमचे तेल लीजिए, कोकोनट ऑयल या तिल ऑयल, उसे मुंह में हल्का गुनगुना कर लीजिए, आप चाहे तो इसमें 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं, मुंह में पकड़िए, इस तरह से आपको वो तेल घुमाना है। कब तक घुमाना है, जब तक आप इसे घुमा सकते हो 5 से 15 मिनट तक, और फिर उसे गलना नहीं है, सिर्फ थूक देना है। तो इस तरह से आपके जॉ, जबड़े सब काफी स्ट्रांग होते हैं ये प्रोसीजर करने से, जिसे हम ऑयल पुलिंग बोलते हैं। सो आई होप आज के लिए कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी आप एड ऑन जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए यू Stay home, stay safe, bye.